अमेरिका में रह रहे एक भारतीय मूल के डॉक्टर ने पीएम मोदी, अडानी और आंध्र प्रदेश के सीएम रेड्डी की बेचैनी बढ़ा दी है, जहां कैलिफोर्निया की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन तीनों नेताओं के खिलाफ समन जारी कर दिया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। अब भक्तों को ये खबर देख करके ये लग रहा हो गया कि आ गए साहब झूठ फैलाने के लिए, और मोदी सरकार के खिलाफ एक खास प्रोपागेंडा रचा जा रहा है जिसमें ये तमाम झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। पर असल में जो खबर सामने आ रही है, उन खबर को कैसे दबाने का काम भारतीय मीडिया द्वारा किया जा रहा है, उन खबरों पर बात करना नहीं चाहते। और जब लोगों के सामने तमाम चीजें आती हैं, तब कहा जाता है कि साहब देखिए ये किस तरीके से नफरत फैला रहे हैं। पर ये चीजें करना अब अंधभक्तों को भी भारी पड़ रहा है, और खासतौर पर यूएस में जो लोग रह रहे हैं वो भी इसके खिलाफ खुल करके बिगुल फूंक रहे हैं, जिसका खामियाजा पीएम मोदी, खासतौर पर अडानी और आंध्र प्रदेश के सीएम रेड्डी को भुगतना पड़ सकता है, जहां कैलिफोर्निया की एक कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीनों लोगों के खिलाफ समन जारी कर दिया है, जहां लगातार यूक्रेन और रूस के मसले पर भारत को लेकर के अमेरिका तीखे प्रहार कर रहा है। ऐसे समय में ये खबर सामने आना कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भी असर डाल सकता है। किस तरीके से रिश्तों पर असर पड़ेगा और पूरा मामला क्या है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। एक भारतीय अमेरिकी डॉक्टर ने वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर वाद दायर कराया है। ये वाद अमेरिका में 24 मई को दायर किया गया था। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने इन नेताओं के साथ साथ कई अन्य लोगों को समन जारी कर दिया है, जो इस साल की शुरुआत में भारत में उन्हें भेजे गए थे। न्यूयॉर्क के चर्चित भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने इसे व्यर्थ का मुकदमा यानी कि डेट ऑन अराइवल लॉसूट करार दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सीएम रेड्डी और गौतम अडानी के खिलाफ रिचमंड स्थित डॉक्टर लोकेश वयुरु ने ये वाद दायर किया है। केस में नामित अन्य लोगों में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और चेयरमैन प्रोफेसर क्लास शवाब भी शामिल हैं। बिना किसी दस्तावेजी सबूत के आंध्र प्रदेश से आने वाले इस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी, सीएम रेड्डी और बिजनेसमैन अडानी कई अन्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसमें अमेरिका में बड़े पैमाने पर नकदी हस्तांतरण और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय मूल के इस अमेरिकी डॉक्टर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी और दिग्गज कारोबारियों के ऊपर भ्रष्टाचार, पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल तथा अन्य मुद्दों को लेकर एक वाद दायर किया गया था। इस डॉक्टर ने यह वाद 24 मई को दायर किया था, जिसके बाद अदालत ने 22 जुलाई को समन जारी कर दिए थे। भारत ने उन्हें यह समन 4 अगस्त को और शवाब को स्विट्जरलैंड में 2 अगस्त को दिया गया था। डॉक्टर लोकेश वयुरी ने 19 अगस्त को अदालत के समक्ष समन प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने कहा कि डॉक्टर के पास फिजूल का बहुत वक्त है। उन्होंने कहा कि यह व्यर्थ का मुकदमा है। अटॉर्नी रवि बत्रा ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से कहा कि लोकेश वयुरी के पास बहुत खाली समय है एक अमेरिकी सहयोगी और भारत को बदनाम करने तथा अपमानित करने के लिए 53 पन्नों को उनकी शिकायत हमारी संघीय अदालतों के अनुचित उपयोग करने जैसा है। बत्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा
कोई भी वकील इस टॉयलेट पेपर शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये व्यर्थ का मुकदमा है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत के रूस में सैन्य अभ्यास से क्या अमेरिका परेशान है, उसके बयान से तो यही संकेत बार बार मिल रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि किसी भी देश का रूस के साथ सैन्य अभ्यास करना चिंताजनक है। व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेन के साथ आक्रमण एवं बर्बर युद्ध छेड़ने वाले रूस के साथ किसी भी अन्य देश का अभ्यास करना उसके लिए चिंताजनक है। आपको बता दें कि सितंबर के पहले सप्ताह में भारत और चीन की सेनाएं रूस में होने वाले अभ्यास में हिस्सा लेने वाली हैं। व्हाइट हाउस ने रूस में 1 से 7 सितंबर के बीच होने वाले कई देशों के सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद से रूस में होने जा रहा ये पहला बड़े स्तर पर अभ्यास है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जिन पियरे ने कहा कि किसी भी देश का रूस के साथ अभ्यास करना अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण युद्ध छेड़ा था, लेकिन भाग लेने वाले प्रत्येक देश को खुद निर्णय लेना है और मैं ये फैसला उन पर छोड़ती हूँ। जब पियरे से ये पूछा गया कि क्यों भारत पर कोई दबाव नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मेरा कहना यही है कि रूस ने बेवजह युद्ध छेड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी देश का उसके साथ अभ्यास करना हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। पत्रकार ने प्रेस सचिव से प्रश्न किया कि क्या अमेरिका ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है या किसी प्रकार की योजना बना रखी है, तो उन्होंने कहा मेरे पास इस बारे में बताने लायक कुछ नहीं है। बता दें कि अमेरिका ने भले ही यूक्रेन के दौरान भारत से कई बार अपने समर्थन की अपील की थी, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कहा था। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ पारित कई प्रस्तावों से भारत गैर हाजिर रहा था और उसे लेकर अमेरिका का कहना था कि भारत के रूस से पुराने संबंध हैं। अमेरिका ने कहा था कि हम तब मजबूत नहीं थे और उसके चलते ही भारत ने रूस के साथ रिश्ते मजबूत हुए थे। अमेरिका ने कहा कि समय के साथ ही भारत रूस से अलग होगा और हमें उनके लिए इंतजार करना होगा। जहां रूस के मामले में पहले ही राजनीतिक पेच फंसे हुए हैं, ऐसे में एक भारतीय मूल के डॉक्टर का इन तमाम लोगों पर केस करना और ऐसे में समन जारी हो जाना कहीं सवाल खड़े करता है। और देश में जो भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल है, वही भ्रष्टाचार को लेकर के इन लोगों को घेरने की कोशिश की और एक समन जारी करवा दिया गया, जिसे गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से छुपा दिया है। क्योंकि तमाम तस्वीरें जब सामने आती हैं और सवाल जब भारत सरकार की भूमिका पर उठते हैं, तब यही कहा जाता है साहब हमारा आंतरिक मामला है, आंतरिक मामले में बोलने की इजाजत नहीं है। तो वही भारतीय मूल के जो डॉक्टर अमेरिका में रह रहे हैं, उनके जरिए इस कदम को उठाया जा रहा है, तो यह बताया जाता है कि साहब भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तमाम तस्वीरें जो यूएस से आ रही हैं, उसे आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।